कराची में चीनी, तेल, घी, आटा, दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। टमाटर 190 जबकि मटर 320 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। ये है ना कि आप चीनी कम खाओ, आटा कम खाओ, आप अपने बच्चों को एक दिन का करके दिखाओ, मैं आपको मान जाऊंगा, फिर बोलेंगे कि महंगाई क्या है। बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। और अब जिक्र बढ़ती महंगाई का। एक तो आसमान छूती महंगाई, ऊपर से गिरा फरोशी, शहरियों के लिए गुजर बसर मुश्किल हो गई। महंगाई इतनी है, लेने महंगाई बहुत हो गई है, बहुत महंगाई है। जो लेने आई थी सब ले लिया, कुछ छोड़ दिया, छोड़ दिया, क्या लेना, इतनी महंगी महंगी चीजें हैं। तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? प्राइस कंट्रोल कमेटियां और टाइगर फोर्स सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद। महंगाई के सुनामी में गोते खाते आवाम को तो तिनके का सहारा तक मयसर नहीं। कुछ खाने को दो ना। चलो नया चेहरा देखेंगे, नया चेहरा देख के हम तो रो रहे हैं, समझ आई मेरी बेटी, हम लोग बहुत पछता रहे हैं, गरीब लोग थे, आप यकीन करो ना कोई कमाने वाला ना कुछ, और बिल ही नहीं पूरे हो रहे। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तोबा हैं, कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इस वक्त ये टमाटर मेरे हाथ में जो कि तकरीबन कल तक 200 रुपए मार्केट में अवेलेबल था, इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन ये एम्प्रेस मार्केट में ये इस वक्त जो हमारी बात हुई है वो 160 रुपए है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के छोटे मोटे मंत्री, इनका तो रोज का काम है भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देना। क्या भारत जंग के लिए तैयार है? भूखे नंगे देश का प्रधानमंत्री अगर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे, आज फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने परमाणु युद्ध की धमकी, तो एक बार इनको आईना दिखाना बनता है। इमरान खान ने दो दिन पहले ही धमकी दी है कि जब तक मोदी और बीजेपी की सरकार है, भारत से कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है। अरे बाबा, तुम हमसे क्या युद्ध करोगे, मूंग और मसूर की दाल, पहले अपने देश के हाल तो देख लो, जंगों की बातें करना हमसे बाद में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं पाकिस्तान जो हमारे को परमाणु युद्ध की धमकी देता, उसके घर के हाल है कैसे। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। फर्टीचर जब भी फर्टीचर कंडीशन में ले जा चुका है इसको, जिन पब्लिक ने वोट दिया आज वही पब्लिक इसको जूते मारने को तैयार है। तो आप ये वीडियो देखिए, आपका भाई आपको मिलेगा आगे। ठीक है, पेट्रोल बढ़ चुका है, बिजली बढ़ चुकी है, आटा महंगा, चीनी भाई कह रहे हैं कि महंगी हो गई है। मेरे पास ये खबर थी कि चीनी सस्ती है लेकिन चीनी महंगी है। आइए इनसे पता करते हैं। क्या लेने आई हैं? मैं सौदा लेने आई हूँ। सौदा लेने आई है, कैसा है महंगाई? बहुत महंगाई है, हद से ज्यादा महंगाई है, गरीब आदमी क्या कर सकता है। कितने का लेती थी पहले सौदा और अब कितने का आ रहा है, कितना इजाफा? 700 में रश्का भर के लेके जाती थी, अभी 5000 में भी नजर ही नहीं आता कि क्या सौदा है। महंगाई इतनी है, लेने महंगाई बहुत हो गई है, बहुत महंगाई है। जो लेने आई थी सब ले लिया, कुछ छोड़ दिया, छोड़ दिया, क्या लेना, इतनी महंगी महंगी चीजें हैं, क्या करिए। सस्ता बाजार है लेकिन गरीब लोगों के लिए तो महंगा ही है ना। कैसे गुजारा करती हैं और किसको कहेंगी, किसने की है महंगाई? इमरान खान है और किसने की? तो चलो नया चेहरा देखेंगे, नया चेहरा देख के हम तो रो रहे हैं, समझ आई मेरी बेटी, हम लोग बहुत पछता रहे हैं, गरीब लोग थे, आप यकीन करो ना कोई कमाने वाला ना कुछ, और बिल ही नहीं पूरे हो रहे। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिल 6500, कभी 7.5, कभी 5, कभी 4, और गैस के देखो। बिजली घर में आती कितनी? बिजली सारा दिन तो होती नहीं, बिल इतने बड़े बड़े भेज रहे। गैस आती है? गैस भी है, नहीं है, पानी उसकी जगह पे आ रहा है। गैस जगह पानी आ रहा है? नहीं, वो मीटर में इतना पानी है कि हम लोग जिस टाइम खोलें पानी का वो हो रहा है, हम गरीब लोग। बिल सारे आ रहे हैं? बिल सब आ रहे हैं, हम तो इसको बोल रहे हैं कि अल्लाह इसको उठाए, इसके बच्चों को उठाया, हमारे गरीब यतीम बच्चों को जलील कर दिया इस आदमी ने।
करते हैं। ये कितनी महंगाई हो गई है, कुछ खरीदारी करने आए हैं आप यहाँ पे सौदा वगैरह लेने? नहीं बाबा, आप तो दुकानदार ऐसे। लेकिन दुकानदार हैं आप, तो आपकी खुद की बिक्री पे कितना फर्क पड़ा? बहुत असर पड़ा है। कैसी लग रही है आपको तब्दीली? तब्दीली बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी है, दोबारा तब्दीली को वोट देंगे? तौबा किया। कान पकड़ के तौबा? ये कान पकड़ लिया कि आपने खुद का, आपकी बिक्री इतनी कम हो गई है। कौन सा दौर सही था, नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान? वो दोनों सही थे, नवाज शरीफ। आवाम बहुत परेशान है, गरीब। कैसी लग रही है आपको तब्दीली? तब्दीली हाँ, तब्दीली कैसी लग रही? कुछ नहीं है, ये गरीब आवाम तो आती है यहाँ पे माल लेने के लिए, 200 रुपया लेके राशन के लिए उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने गंदम का बोला है कि हम गंदम देंगे और सस्ती देंगे, कुछ भी नहीं। सब ये फूड डिपार्टमेंट खा रहे और मिल वाले खा रहे, आवाम को तो मिल ही नहीं रहा है ना। आवाम को जब मिले, जब 58 रुपया रेट निकाले, मिल दुकानदार 59 रुपये का ले और 60 रुपये का बेचे, ऐसा ही है। कितनी महंगाई हो गई है? बहुत हो गई है महंगाई तो। जितनी कितने कितने पैसे लेकर निकलती हैं और कितने पैसे बचते हैं? कुछ भी नहीं बचते, कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। सोचना पड़ता है क्या ले क्या नहीं ले। वोट किसको दिया था? इमरान खान को ही दिया था। आप देंगी? नहीं। तौबा कर रही? तौबा कर रही। किसको देंगी? अब जो आएगा अच्छा, जो मुल्क को सुधारे। किसका दौर अच्छा था, जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान? अब ये तो मुझे नहीं पता, जो आता है अब सब यही हाल है। एक कम होता है दूसरी हो जाती है, वही हाल है। इमरान खान को वोट नहीं देंगी? नहीं। ठीक है, वोट दे के पछता रहे हैं। हाँ बहुत पछता रहे हैं, इतनी गलती होगी अब तो हाथ उठा के बददुआएं मांग रहे। किसको देंगे आप? हम तो नवाज शरीफ को बेटा। अब तो आप जो देंगे? नवाज शरीफ को अब भी देंगे, ये इस दफा गलती कर ली है ना, इमरान खान को दे दिया है ना, अब कभी भी नहीं देंगे। जैसे कि वो जैली करते हैं ऐसे कर देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे। आपको कौन सा दौर सही लगा, जरदारी, इमरान खान या ये नवाज शरीफ? हुकूमत जो सही थी वो, ये तो बिल्कुल बेकार है, चोर है सारे। आपको क्या लगता है, इमरान खान को दोबारा आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आने नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आई हैं यहाँ पर? बच्चों के सौदा लेने आई हैं। बहुत महंगा है। फिर जा रहे हैं वापस। वापस जा रही हैं? कुछ नहीं लिया? क्या हुआ है, क्या लेना था और क्या नहीं लिया? तेल घी लेना था, बहुत महंगा है, फिर वापस जा रहे। तो आपने ऐसा हुआ है कि चीज़ें छोड़ दी? नहीं ली महंगाई की वजह। कहाँ से ले, काम धंधे है ही नहीं, फिर इतना महंगा कहाँ से ले? हम तो ऐसे आए थे पतीला लेने आए थे, इतना महंगा है कि क्या करें। 3,000 का पतीला है ये। 3,000 का पतीला? जी जी, एक पतीला। पहले कितने का था ये पतीला? पहले तो मिल जाता था 1500-1600। अब ये 3,000 का? 3,000 का। और कुछ लिया? नहीं और तो कुछ लेने गुंजाइश ही नहीं है, खत्म हो गए पैसे। या फिर भी इस मार्केट में भी आपको लग रहा है कि महंगाई? बहुत महंगाई है। गुजारा कैसे? मटर देखे 70 रुपए पाव दे रहा है ये बंदा, पूछे 70 रुपए पाव। पाव 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 से क्या होगा, एक तो कुछ भी नहीं होगा, एक बंदा भी नहीं खा सकता पाव सब्जी। क्या कहेंगे, किसको वोट दिया था? वोट तो मैंने उस वक्त नवाज शरीफ को दिया था जब पीटीआई जीत गई थी, बल्ले वाले को मैंने दिया ही नहीं था। अब किसको देंगे? अभी किसी को नहीं देंगे, ऐसे ही सही है। एक पतीला लेके जा रही है बस, और कुछ नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया, गुंजाइश ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या लें क्या नहीं, पैसे ही नहीं है। इनको बोलो आप अपने बच्चों को खिला दो कम एक वक्त का, जो अलीमन गन्नापुर ने बयान दिया है ना कि आप चीनी कम खाओ, आटा कम खाओ, आप अपने बच्चों को एक दिन का करके दिखाओ, मैं आपको मान जाऊंगा। ये पंसारी की दुकान पे बैठ के इतना गुस्सा कर रही है खवातीन, कितना महंगा दे रहे हैं आप? तो उनका गुस्सा जायज है ना, जायज है इनका गुस्सा। आपके अंदर भी गुस्सा है? बस बोलने पर बर्दाश्त करो, हम बर्दाश्त कर गए महंगाई को। हम बहुत मजदूर गरीब लोग हैं, हमारे ऊपर तो इतना खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेके जावे गरीब लोग, बस जगे आवाम, आवाम इतना बजा किया है खाने में नहीं है, भूखे रहते हैं, ऐसा जुलम कर रहे, नौकरी नहीं है कुछ नहीं है। किसको वोट देंगी आप 2023? हम लोग किसी को नहीं देंगे, जानम से किसी को नहीं, क्या दे वोट में? किसी की हुकूमत अच्छी नहीं थी? नहीं, किसका अच्छे, हम लोग गरीब अपना मेहनत खुद कर रहे, गरीब क्या देते। बिजली का बिल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाना पीना महंगा, जाओ जाओ। नया पाकिस्तान को नहीं बनाओ, इसी पुराने में हम लोगों को छोड़ दो, मेहरबानी होगी, लेकिन ये महंगाई कम कर दो। पेट्रोल डाल के ना कोयला गोदाम से ली मार्केट तक एक दफा नहीं आ सकते, पहले 100 रुपए का पेट्रोल डाल के हम 3 चक्कर लगा सकते थे। गरीबों का निवाला छीन लिया है, गरीबों का निवाला ही छीन लिया इमरान खान ने, इमरान खान ने कोई तब्दीली नहीं। तो कौन देगा?
लाओ नवाब शरीफ को, नवाब शरीफ। कितनी महंगाई हो गई? बहुत महंगाई हो गई, पेट्रोल 40 रुपए का, 140 रुपए में बचा दिया। कैसे गुजारा हो रहा है? कैसे, भूखे फाके करते हैं और क्या होगा। मदनी रियासत आप ये बना रहे हो, यहाँ लोगों को तुमने भूखा मार दिया। आपने कहा कि करप्शन नहीं होगा, कर्ज महंगाई नहीं होगी, सब खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा करप्शन तो आपने किया, सबसे ज्यादा कर्जा तो आपने लिया। जब आप यहाँ से, इस मुल्क से जाओगे तो यहाँ फिर बाद में जब दूसरा बैठेगा हुकुमरान, वो क्या कहेगा कि नहीं वो इमरान खान चोर था, अभी तुम कह रहे हो जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है। तो तुम चोरों को पकड़ लो, उनसे निकलवाओ जो उनके पास है ना। गरीबों से अब क्या, महंगाई आटा कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, CNG 15 दिन के लिए बंद हो गए। ये आवाम, गरीब आवाम क्या करेंगे, रोज़ कमाने वाला, रोज़ चूल्हा जलाने वाला। आपको मिनते करते खुदा के वास्ते, जो आपने वादे किया, आप पढ़े लिखे इंसान हो, हमारी आपसे एक बहुत उम्मीदी थी कि एक नया चेहरा आएगा। ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं थी, या जरदारी होगा या नवाज शरीफ होगा। ठीक है, एक नया चेहरा था, हम खुश थे, सब आवाम दुनिया आपके लिए आपकी तारीफ करेगी, आ रहे नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान को नहीं बनाओ, इसी पुराने में हम लोगों को छोड़ दो, मेहरबानी होगी, लेकिन ये महंगाई कम कर दो। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, ये जो पाकिस्तानी जो इतने बड़बोले होते हैं, इनके चेहरे पे तमाचा मारना कि तुम लड़ना बाद में, पहले अपने घर की लूंगी तो संभाल लो। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। कुछ भाई बोल के जाते हैं, भाई जय श्री राम, सेकुलर कंट्री में जय श्री राम क्यों? अबे हरामी हो तो क्या इंशाल्लाह बोलूँ मैं, जब मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म हिंदू है, तो मैं जय श्री राम ना बोलूँ तो क्या इंशाल्लाह बोलूँ, माशाल्लाह बोलूँ, शाशाल्लाह बोलूँ? आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।